Hi guys, welcome back to the channel everyone. It's time for the eliminator of the Women's Premier League 2023 and it is between UP Warriors versus Mumbai Indians. पांच में से हम अब बचे हैं तीन टीमों के साथ जहां पर दिल्ली कैपिटल्स तो फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है और अब एलिमिनेटर का मैच होने वाला है मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के बीच में और जो ये मुकाबला जीतेगा वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ फाइनल मुकाबला खेलने वाला है। आपको बता दूं कि मुंबई और यूपी के बीच में ये मैच खेला जाने वाला है 24th मार्च 2023 को 7:30 PM से ये मुकाबला चालू होगा और डॉक्टर पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में यह मुकाबला खेला जाने वाला है। यहां पर बात करें तो मुंबई इंडियंस का जो इनिशियल स्टेजेस थे, इनिशियल मैचेस थे, वो काफी अच्छे रहे थे, लेकिन मुंबई इंडियंस यहां पर पिछले तीन मैचेस में से दो मैचेस हार कर आई है और वहीं पर यूपी वॉरियर्स की बात करें तो यूपी वॉरियर्स भी मतलब ऑन एंड ऑन सीजन रहा है पिछले तीन में से। हालांकि उन्होंने दो मैचेस जीते हैं लेकिन क्लोज इनकाउंटर्स थे। यूपी वॉरियर्स भी लड़ झगड़ के यहां तक पहुंची है, 8 में से 4 मुकाबले जीते हैं, 4 हारे हैं, जहां पर मुंबई 6 मुकाबले जीती है, 2 हारी है। तो इंटरेस्टिंग तो होगा मुंबई यूपी वॉरियर्स के यहाँ पर मैच देखना। मुंबई और यूपी के बीच में इसी सीजन दो दो मैचेस हुए हैं जहां पर मैं आपको बता दूं कि एक मैच मुंबई जीती और एक मैच यूपी जीती है, तो कांटे की टक्कर तो यहां पर रही है। जहां पर बात करते हैं दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 की, तो यूपी वॉरियर्स एक चेंज ऑब्वियसली करने वाली है। पिछले मैच में ग्रेस हैरिस को यहां पर बाहर बिठाया गया था, रेस्ट दिया गया था, तो शबनम इस्माइल की जगह ग्रेस हैरिस अंदर आने वाली है। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कुछ चेंज होगा। हो सकता है कि देविका वैद्य यहां पर सिमरन शेख की जगह अंदर आ जाए। पॉसिबल प्लेइंग 11 यहां पर हो सकती है कि श्वेता शेरावत और अलीसा हेली ओपन करे, नंबर 3 पे किरण नवगरे, 4 पे तालिया मेगरा, 5 पे दीप्ति शर्मा, 6 पे आपको ग्रेस हैरिस देखने को मिल जाएगी, फिर सोफी इक्लिस्टन, इसके अलावा पार्श्वी चोपड़ा, अंजलि सरवानी, सोहानी यशवश्वरी और साथ ही में देविका वैद्य ऊपर आपको बैटिंग करते हुए हो सकता है दिख जाए। तो ये प्लेइंग 11 यहां पर यूपी वॉरियर्स की हो जाएगी। और इसी के साथ बात करें यहां पर मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की, तो मुंबई कोई चेंज नहीं करने वाली। मुंबई की तरफ से हेली मैथ्यूज और यस्तिका भाटिया ओपन करने वाली है, 3 पे नैट शेवर ब्रंट, 4 पे हरमनप्रीत कौर, 5 पे अमेलिया केर, 6 पे इजाबेला वोंग, 7 पे मंजूत कौर, 8 पे पूजा वस्त्रकर, 9 पे हुमायरा काजी, 10 पे चिंतामणि कलिता और 11 पर साइका इशक। तो ये दोनों टीम्स के यहाँ पर प्लेइंग 11 होने वाली है। जहां पर अब मैच प्रेडिक्शन की बात करें तो आई थिंक सो कि मुंबई इंडियंस ये मैच जीतने वाली है। एक कट टू कट मैच तो आपको देखने को मिलेगा लेकिन मेरी प्रेडिक्शन है कि मुंबई इंडियंस विल विन दिस मैच और मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स फाइनल मुकाबला होने वाला है। आपकी जो भी मैच प्रेडिक्शन है नीचे कमेंट करके बता देना। मेरी तरफ से आज की वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।